आज की वीडियो में 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाई ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में क्या करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बताएंगे ये रिएक्शन जो है ना 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बाकी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी 12th के विद्यार्थी है ठीक है जो खास करके जो बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए ये सारे रिएक्शन जो है ना बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो है बाबू इम्पोर्टेंट है। और इन पांचों रिएक्शन को जो है ना पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना ठीक है। पूरी ईमानदारी से आप लोग क्या कर लोगे इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे। पांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। और खास करके जो बिहार बोर्ड से हैं उन विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो जो है स्पेशल है बाबू ठीक। पहला अभिक्रिया आता है कारगिल एमिन अभिक्रिया, इस चीज को आप याद रखना कारगिल एमिन अभिक्रिया जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वाला अभिक्रिया जो है ना 2000 आपका 10 हो गया और आपका 2012 और 2000 आपका 22 ठीक है 2010 2012 और 2022 में ये वाला अभिक्रिया आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अभिक्रिया का नाम ध्यान हो गया है कार्बिक एमिन अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बाबू। इनको आप क्या कर लोगे पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। आप लोग को मालूम भी है कि कार्बिक एमिन अभिक्रिया किनको कहते हैं ठीक है। जब प्राथमिक एमिन को क्लोरोफॉर्म तथा ठीक है जब प्राथमिक एमिन को हम लोग क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं ठीक है। प्राथमिक एमिन को किसके साथ गर्म करोगे क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करोगे तो आपको उत्पाद में जो है आइसोसाइनाइड नाम का जो है अत्यंत दुर्गंध वाला यौगिक प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बिन एमिन अभिक्रिया बोलते हैं या कहते हैं ठीक है। इस चीज को आप याद रखोगे ऐसे भी आप लोग को याद होगा सर आप लोग को बतलाए होंगे कि कार्बिन एमिन अभिक्रिया में होता क्या है कि इसमें प्राथमिक एमिन को जो है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो उत्पाद में ठीक है आइसोसाइनाइड नाम का जो है अत्यंत दुर्गंध वाला यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं कार्बिन एमिन अभिक्रिया बोलते हैं या कहते हैं या कहलाता है इस चीज को आप लोग याद रखोगे। दूसरा अभिक्रिया है आपका वुड्स अभिक्रिया। ये वुड्स अभिक्रिया का नाम आप लोग सुने हो पढ़े भी हो सर बतलाए भी होंगे कि वुड्स अभिक्रिया ठीक है। ये वुड्स अभिक्रिया जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वुड्स अभिक्रिया का भी परिभाषा या वुड्स अभिक्रिया को कम्प्लीट कर लेना। ये भी अभिक्रिया आपके बिहार बोर्ड 2010 2012 और 2022 में आपका आया हुआ है इस चीज को आप लोग याद रखोगे ठीक है। तो ये आपका 2024 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए वुड्स अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है उत्पाद में एल्केन मिलता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं या कहते हैं ठीक है। वुड्स अभिक्रिया के बारे में आप लोग को पता है इसमें होता क्या है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में कराई जाती है ठीक है या कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है एल्केन मिलता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो वुड्स अभिक्रिया बोलते हो। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। तीसरा अभिक्रिया है आपका ऑफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ऑफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को भी आप लोग को हर हाल में कंप्लीट करना होगा क्योंकि ये भी अभिक्रिया जो है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह अभिक्रिया जो है आपका 2018 बिहार बोर्ड में जो है ना पूछा गया अभिक्रिया यानी 2018 में यह अभिक्रिया पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि जब किसी एमाइड यानी किसी भी एमाइड को ब्रोमीन और एल्कोहलीय क्यूएच के साथ गर्म किया जाता है यानी किसी भी एमाइड को ब्रोमीन और एल्कोहलीय क्यूएच के साथ जब गर्म किया जाता है तो उत्पाद में प्राथमिक एमिन मिलता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं ऑफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बोलते हैं या कहते हैं। इसमें किसी भी एमाइड को ब्रोमीन और एल्कोहलीय क्यूएच को गर्म किया जाता है गर्म करने के फलस्वरूप आपको प्राथमिक एमिन उत्पाद मिलता है। इस तरह के अभिक्रिया को भी ऑफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है कहलाता है। इस अभिक्रिया को भी कंप्लीट कर लेना 2018 में आया हुआ है। अब चौथा अभिक्रिया आपका है बेंजीन का नाइट्रीकरण। नाम सुने हो सर भी बतलाए होंगे क्लास में यह बेंजीन का नाइट्रीकरण जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये 2010 आपका 2000 आपका 12 बिहार बोर्ड में आपका आया हुआ है कि बेंजीन का नाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है कि बेंजीन को सांद्र HNO3 के साथ ठीक है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही बेंजीन का नाइट्रीकरण कहा जाता है। तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेना 2010-2012 आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है। अंतिम अभिक्रिया ठीक है इस अंतिम अभिक्रिया पांचवा अभिक्रिया आपका है ठीक है। इस अभिक्रिया को भी आप कंप्लीट कर लोगे फिटिंग अभिक्रिया।
फिटिंग अभिक्रिया का नाम सुने हो, ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्लास में सर आप लोग को बतलाए होंगे। हेलोबेंजीन के इसमें क्या होता है कि हेलोबेंजीन की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु के साथ उसकी तर्क उपस्थिति में कराई जाती है तो उत्पाद में डाइथैनिल प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को ही फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। पांच अभिक्रिया आज की वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं। पहला अभिक्रिया आपका है कारगिल एमिन अभिक्रिया 2010-12-22 में आपका पूछा गया है। दूसरा है गुर्जर अभिक्रिया 2010-12-22 में पूछा गया है। तीसरा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है 2018, बेंजीन का नाइट्रीकरण 2010-2012, और पांचवा अभिक्रिया है आपका फिटिंग अभिक्रिया। ये पांच अभिक्रिया आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। तो आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो बाबू हमारे चैनल पे नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस तरह का वीडियो और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।